कनाडा अब इंडो पैसिफिक रीजन में सैन्य उपस्थिति को बढ़ावा देगा। वह इन्वेस्टमेंट रूल को सख्त बनाकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा और चीन के आधिकारिक वाले इलाकों को महत्वपूर्ण मिनरल्स की सप्लाईज को बंद करने से रोकेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की आक्रामक व खराब नीतियों से निपटने के लिए कनाडा ने नई स्ट्रेटेजी बनाई है। इसमें जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दों पर चीन से मुकाबले की योजना है। रविवार को कनाडा ने इसके लिए 26 पेज का दस्तावेज जारी किया गया है। कनाडा के इस दस्तावेज में कहा गया है कि आज के चीन के आकलन को देखकर हमने एक्चुअल बेसिस पर यह स्ट्रेटेजी बनाई है। चीन के खिलाफ बड़ी असहमति के साथ हम उसे चुनौती देंगे। कनाडा व चीन के बीच तनाव 2018 के अंत में उस समय बढ़ा जब कनाडा की पुलिस ने चाइनीज कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिरासत में लिया था। इसके बाद बीजिंग ने जासूसी के आरोप में दो कैनेडियन लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि तीनों को पिछले साल रिहा कर दिया गया था, लेकिन दोनों के रिश्तों में दरार कायम है। इसी महीने की शुरुआत में कनाडा ने तीन चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर देश के मिनरल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट वापस लेने का निर्देश दिया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की लिबरल गवर्नमेंट्स देश के व्यापार और आर्थिक संबंधों में विविधता लाना चाहती है। फिलहाल यह अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जबकि चीन के साथ कनाडा का बायलेटरल ट्रेड अमेरिका के 68% की तुलना में 7% से भी कम है। हालांकि इससे भारत को फायदा जरूर है, कनाडा की भारत से नजदीकियां बढ़ेंगी। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।